हे दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को अपने डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस बोलना पड़ता होगा, जहाँ पर आप कहते हैं साफ साफ बोलो, साफ साफ लिखो, साफ साफ बताओ, साफ साफ देखा क्या। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग जानते हैं साफ साफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वेल, साफ साफ को इंग्लिश में बोला जाता है क्लियरली, नीटली, फ्रेंकली, सिंपली। लोट्स ऑफ वर्ड्स है जिसका आप यूज कर सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। वेल, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह के सिचुएशन को बताने के लिए आप सबसे अच्छा वर्ड क्लियरली का यूज कर सकते हैं। वेल, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज किया जाता है। वेल, आज का पहला सेंटेंस है, साफ साफ बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड, स्पीक क्लियरली, या स्पीक क्लियरली, I can't understand। और आप कह सकते हैं I am not able to understand, please speak clearly। Next sentence, साफ साफ लिखो, take down clearly, या write clearly, आप कह सकते हैं put down clearly। लिखने के लिए take down, put down और write तीनों का यूज कर सकते हैं आप। Well, modern English में लोग take down ज़्यादा यूज करते हैं। Well, next sentence, इस sentence को आप neatly से बना सकते हैं, write neatly, राइट नीटली। नेक्स्ट सेंटेंस, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, टेल मी क्लियरली व्हाट डू यू वांट टू से, टेल मी क्लियरली व्हाट डू यू वांट टू से। नेक्स्ट सेंटेंस, साफ साफ देखा क्या, डिड यू सी क्लियरली, डिड यू सी क्लियरली। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी देखिए लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को बिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।